मैं बता रहा था, 5 मिनट तक 19 साल हो गए, बालाजी मेहंदीपुर में जाता हूँ हर महीने शनि या मंगल को जाता हूँ। मैंने वही कह दिया, मैं कह रही भगवान चलने के लायक रखना, हर महीने तक एक बार हाजिरी बन गया। था कि मैं मांगूंगा, पहली बात तो वहां जाने में कहा जाना नहीं चाहिए, डर लगता है, ऐसा है, उस तरह से लोग अपन चले गए। तो जाके जब आरती हो रही थी, शाम को आरती होती है, तो उस दिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनना था, अब्दुल कलाम के पास गए थे मनमोहन सिंह वहां, पर मेरा कोई ऐसा विचार नहीं, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, विचार मन में था नहीं, पर हनुमान से उन्होंने कहा मांग कुछ, मैंने आंखों में आंसू से रोते रोते कहा हनुमान जी हम आपके चरणों में रहते, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, दुनिया आपने नमस्कार कर, फिर वो देशी राज करेंगे। विचार आया, विचार मेरा नहीं था, विचार कोई का विचार है, वो विचार आया तो मेरा दोस्त कह रहा है यार तू रो रहा है, तो मुझे देश के साथ बड़ा लगा हुआ है, कोई बात आरती हुई, अमृत छिड़कते हैं बाद में जल जल छिड़कते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ, हम तीन दोस्त थे, मैं कहा रेडियो लगाओ, रेडियो में आया भी
सोनिया गांधी है, ये मैं कभी बाहर बताता नहीं किसी को, आप सबको गुरु जी है, मैं आपको बता दू। मैंने वही कह दिया, मैं कह रही भगवान चलने के लायक रखना, हर महीने तक एक बार हाजिरी भर दिया। घर आ गए, आके तो जब वापस आ रहा था तो देखा कि कुछ ताज होटल के पास कुछ बंदर थे, तो मेरे मन में आया, मैं क्या अपने गनमैन को बताया, मैं कैसे मंसूरी बच्चों को मिलने जाए तो वहां बंदर बड़े होते हैं यार, कुछ कहने तुम्हें ले जाए। तो घर आए तो मेरा आदमी कहने लगा कि सुबह सुबह आए थे, मगर फिर कैसा मैंने बगा दिए। देखो आस्था किस तरीके से वो जुड़ रहा है, मैं तो अब आए तो बता देना। सुबह सुबह 5 बजे आया, कहता जी बंदर कोठी में उठाया, मैं अब वो हर मंगलवार और शनिवार एक बार दर्शन दे दिया करें, आस्था बढ़ती गई, मंदिर बढ़ गया घर में। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, दर्शनों में निकल गए, कभी अयोध्या कभी कहीं सब जगह पे उनकी कृपा दिखाना शुरू हो गया, आस्था बढ़ गई। भगवान सन्यासी बाबा।